हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला कि प्लीज़ शेयर टिप्स के इंडोर शूट कैसे कर सकते हैं अच्छा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें देखने के लिए। बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें आप गिव अवे भी जीत सकते हो अमेजोन का 2000 रुपीज़ का वाउचर। हम इसको चार पार्ट में बांट रहे हैं, बेसिकली लाइट इको साउंड इको की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, बेसिकली बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और आखिर में एडिटिंग एप्स, और हाँ आखिर तक देखोगे तो कुछ प्रो टिप्स भी मैं देने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपके चेहरे पे लाइट नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो कोई भी वीडियो देखना नहीं चाहेगा। करना क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। पहले तो जितनी लाइटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो उतना आप कर लीजिए, क्योंकि इंडोर शूट है तो लाइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं लाइटिंग बंद कर देता हूँ अपने यहाँ पे जहाँ पे शूट कर रहा हूँ, तो कैसा लुक आएगा और लाइटिंग के बाद कैसा आता है। स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। देखिए सारी लाइट बंद हो चुकी है, मैं कैसा लग रहा हूँ। अगर मैं आप कोशिश में आपको बोलूँगा एक रिंग लाइट ले लो, तो रिंग लाइट एक से ये इफेक्ट आएगा, अच्छा हुआ। दूसरी से ये इफेक्ट आएगा, और अच्छा हुआ। फिर एक सामने भी लाइट आपको चाहिए, जिसमें आप गोडेस की लाइट डाल सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगा अमेजोन के लिए आपके लिए। आप देखिए जो लुक आ रहा है, जो पर्सनैलिटी उभर के आ रही है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके घर में नेचुरल लाइट आती है तो कोशिश कीजिए नेचुरल लाइट में ही शूट कीजिए। अगर रात को शूट कर रहे हो तो इन लाइटों का आप उपयोग कर सकते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो कि मैं हूँ, वो लाइट के पास होना चाहिए। अगर मैं इधर उधर हो जाता हूँ तो मैं लाइट नहीं आएगी। बिल्कुल सेटिंग होनी पड़ेगी लाइट, बिल्कुल सामने, लेफ्ट राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैं बोल रहा था नेचुरल लाइट, अगर आपके घर में नेचुरल लाइट आती है तो कोशिश कीजिए नेचुरल लाइट में ही शूट कीजिए। आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो बहुत सारा साउंड आएगा, बच्चों की आवाज़ आएगी, व्हीकल की आवाज़ आने वाली है। तो उसके लिए जो सेकंड टॉपिक है, विच इज़ इको एंड साउंड, उसमें मैं आता हूँ। लाइट आपके पास कौन सी होनी चाहिए, जो मैं दिखा रहा था, अपार्ट फ्रॉम गोडेक्स लाइट एंड रिंग लाइट। जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि पास जो गोडेक्स लाइट्स है, मेरे पास जो लाइट है वो F51 है, जो कि गोडेक्स की अराउंड 20,000 रुपीज़ की आती है। फिर मैंने दो लाइट लगाई हुई, रिंग लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लेफ्ट एंड राइट को कॉम्बिनेशन को फॉलो करती है। फिर और लाइट अगर आप जाते हो इन्वेस्ट करना, तो कलर लाइट की ऐसी RGB लाइट आती है, जो आप अपने पास ऐड कर सकते हो, बहुत ही सस्ती है, 200-250 रुपये की। लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो लाइटिंग अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट साउंड। साउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप वीडियो ज़्यादा देख नहीं पाओगे और आपको पसंद नहीं आएगा। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है रोड का माइक, बेसिकली काफ़ी अच्छा माइक है, 21,000 रुपीज़ का आता है, लेकिन जो मेरी वॉइस क्वालिटी है वो आप तक बिल्कुल अच्छी जा रही है। जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रूम है, अगर मैं इसमें वैसे शूट करूँगा तो बहुत इको होगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होने वाला है। अभी हम कैमरे को माइक से हटा देते हैं। आप जो शूटिंग हो रही है मेरे कैमरे से हो रही है, जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूँ बहुत बड़ा रूम है, तो इको होना पॉसिबल बहुत ज़्यादा है। अगर आप माइक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप छोटे रूम में शूट कीजिए, सो दैट इको कम होगी। आपको कंपैरिजन दिख जाएगा, अभी मेरी जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है कैमरे से डायरेक्ट, अब जो आवाज़ आ रही है वो मेरी माइक से आ रही है, तो आपको डिफरेंट तो दिख ही गया होगा कितना अच्छा है। तो साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर अ गुड माइक जो कि आपके बजट में हो। थर्ड पॉइंट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड इसलिए है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है जितना साउंड और आपकी लाइट है। बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, मैंने इसको सेट किया हुआ इस तरह से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। मैंने शूट किया था हाउ टू पैक, आपको दिख जाएगा यहाँ पे भी, तो उस तरह से जो मेरा बैकग्राउंड है वो इस तरह का है। आप प्रॉप्स रख सकते हो, कैसे रख सकते हो प्रॉप, जैसे मैंने रखे हुए हैं, दिस इज़ अ प्रॉप, बेसिकली लाइटिंग इज़ अ प्रॉप। आपको अगर मेरा पीछे दिख रहा है जो लैम्प है वो भी प्रॉप है। ऐसे और भी मैंने प्रॉप किए हुए हैं। कोशिश कीजिए घर के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड आप बना के रखें। अगर इस कैमरे को मैं हटाता हूँ तो मेरा अगला एक शूट होने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक बैकग्राउंड चूज़ किया हुआ है। अभी थोड़ा मैसी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप देखें ऐसे, क्योंकि आप इसमें शूट नहीं कर सकते। जो बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्लटर फ्री होना चाहिए। अभी आप जो देख रहे हैं वो इस तरह से दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा कि अगला शूट मैं यही करने वाला हूँ, कैसा होगा आपके शूट करने वाला, लेकिन मैंने इसको बैकग्राउंड बनाया हुआ डिफरेंट। तो ऐसे डिफरेंट बैकग्राउंड रखिए, ऐसे प्रॉप्स रखिए, ऐसे पौधा रखा हुआ है, ऐसा ये प्रॉप है, यहाँ से मिरर रखा हुआ है, छोटी छोटी मिनिमम चीज़ें, से मशरूम ये रखा हुआ है, ये सारे प्रॉप्स हैं जो आपके बैकग्राउंड को अट्रैक्टिव बनाते हैं और अच्छे बनाते हैं। अगर आपके घर में स्पेस है तो इस तरह के बैकड्रॉप ले सकते हो। मेरे पास 3 बैकड्रॉप है, ग्रीन, ब्लू एंड क्रीम कलर का, जो कि आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे। नहीं देखे तो मैं यहाँ पे छोटा सा डाल दूंगा वीडियो, इसमें वो दिख रहे होंगे डिफरेंट बैकग्राउंड। फोर्थ पॉइंट है एडिटिंग एप्स। लास्ट, शूटिंग करना बहुत ईजी है, लेकिन लास्ट में उसको अच्छा एडिटिंग करना, कलर ग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं करता हूँ अपने कैमरे के लिए वो है प्रीमियम प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। फ़ोन के लिए मैं यूज़ करता हूँ इनशॉट एंड स्नैपशीट,
और भी डाल सकते हैं वो ऐप्स जो आपको हेल्प करेंगे। नाउ अब हम आ गए हैं, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो प्रो टिप्स के बारे में। प्रो टिप्स क्या है? प्री प्लान योर शूट, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे वो मैंने प्री प्लान किया हुआ है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको लैपटॉप दिखाता हूँ अभी। तो अगर आपको भरोसा नहीं तो इस लैपटॉप में देख सकते हैं आप, प्री प्लान योर शूट एंड आइडियाज़ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। और भी मेरे पास जो प्रो टिप्स हैं वो ये हैं कि आप जब भी शूट कर रहे हो, अगर आप घर में अकेले हो, तो बेसिकली ब्लूटूथ क्लिक डिवाइस आता है जो आपके फ़ोन और कैमरे में लग सकता है। आप उससे अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हो, अपने आप फोटो भी ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कूल लगता है। और मैंने क्या लिखा हुआ आपके लिए वो भी मैं बता देता हूँ कि जब भी आप पॉज कर रहे हैं तो आपके पास जो पॉजेज होने चाहिए वो पहले से सिलेक्ट होने चाहिए। आपके जो परफेक्ट पॉजेज, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फेस का एंगल ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके फेवरेट पॉज होने चाहिए, जैसे मैं यहाँ दिख रहे हैं इस तरह के आते, साइड में आपको पॉज दिख रहे होंगे मेरे बहुत सारे। अगर आप पॉज करने में थोड़ा सा घबराते हैं, शाय हैं, तो प्रॉप यूज़ कीजिए। प्रॉप यानी कि जैसे मैं एक प्रॉप लाता हूँ अपने पास अभी, जैसे आप शाय करते हैं फिर तो प्रॉप यूज़ कर सकते हैं लाइक इस तरह से। अगर आपको मग्स नहीं पकड़ना है, बाहर थोड़ा क्लासी दिखना है, तो आपको जो भी बैग हो आप उसको कैरी कर सकते हैं। प्रॉप्स मेक्स अ डिफरेंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यूज करता हूं अपने इंडोर शूट में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी लाइफ सेवियर है, क्योंकि मैं जब भी शूट करता हूं, मैं फैशन का कंटेंट क्रिएटर हूं, अपने कपड़े आयरन कर रखता हूं, सो दैट मुझे हेल्प करती है। आप भी ले सकते हो, बहुत ही सस्ती 5-6 हज़ार रुपये की आती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो जो आपके कपड़े बेकार दिख रहे हैं उनको बहुत अच्छा दिखाती है, और आप बहुत लग्जरी लगते हो, क्लासी लगते हो, साफ सुथरे लगते हो, एंड ग्रूम लगते हो, एंड ऑर्गेनाइज लगते हो। तो जाते वक्त थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल हबीबी जिल्लाही इल्लाहा।